मैं आठवीं पीढ़ी का वंशज हूँ बाजीराव मस्तानी साहिबा का। यहाँ आने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने सेक्शन किए 42 लाख रुपए इस मस्तानी महल साहिबा के पूरा कैंपस, जिसमें कि मस्जिद, मज़ार और इसकी पूरी बाउंड्री है, इसका पूरा रेनोवेशन और रिस्टोरिंग के लिए। और यहाँ आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, ये बात हुई थी कि वो जो ओरिजिनल स्थिति है यहाँ के लोकल्स के पास, उसके फोटोज़ हैं, उसको देखने के बाद के वैसा का वैसा ही बना के देगा। उसने फर्जीवाड़ा किया, उसने यहाँ पर पैसा खाया, जिस तरीके से यहाँ की हालत उसने बनाई, आज की तारीख में मस्तानी महल साहिबा के इस पर्टिकुलर कैंपस को उसने बड़ा बुरा कर दिया। जो खूबसूरती थी उस खूबसूरती को ख़त्म कर दिया और अच्छे तरीके से उसने पैसे की लूट खसोट करी है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट यही है कि उसको वापस से जिस हालात में, जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में उस ही कॉन्ट्रैक्टर से बनवाई जाए, और अगर नहीं बनवाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर पर हम FIR दर्ज कराएंगे। जब इसकी हालत ख़राब हो गई थी जी, उसको ठीक कराया, रेस्टोर कराया, और ये बाउंड्री वॉल्स वगैरह और ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है मस्जिद को ठीक करवाया, उन्होंने जो मेहनत की और उन्होंने जो इस रेस्टोरेशन किया है, उसके लिए हम सब की तरफ से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया।